ટ્રાફિક નિયમનમાં સુધારા કરવા બદલ વડોદરા સોમા તલાવ સિટીઝન દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે બેનરો સાથે દેખાવ કરીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. નવા લાગુ કરાયેલ મોટર વ્હીકલ એક્ટ નિયમમાં સુધારા કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે સોમા તળાવ સિટીઝન વડોદરા દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર સુપ્રત કરાયું હતું. વડોદરામાં કડક નિયમના અમલથી લોકોની 50% રોજી છીનવાઈ રહી છે. લોકોમાં એક ભયનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે. લોકો ઘરેથી બહાર નીકળી શકતા નથી તેવા આક્ષેપો સોમા તળાવ સિટીઝન દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. લોકતંત્રમાં લોકો હેરાન ન થાય તે માટે ભારત અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા દંડની વસૂલાતી રકમને હળવી કરવામાં આવે, ટ્રાફિક નિયમમાં સુધારા કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. એ ભારત સરકારને ટ્રાફિક નિયમ કા જો નયા કાનૂન લાગુ કિયા ને ઉસકે વિષયમાં હમ આવેદનપત્ર કલેક્ટર સાહેબ દેંગે और मोदी साहब को भी चिट्ठी लिखा हूँ और नितिन गडकरी को, म्युनिसिपल कमिश्नर को, सबको ऐसा रजूआत किया हूँ. क्या रजूआत किया अभी करने का है? क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि जैसा नियम था पहले ऐसा में क्या तकलीफ था. एक बैग ऐसा नियम कड़क कर दिया, अभी रोजी रोटी लोगों के पास छीन 50% रोजी रोटी सब चली गई लोगों का. और इसके बाद अभी इतना भय पैदा हो गया पूरे शहर में, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे. अभी उनके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मानते कि ये नियम रखा गया है वो गलत है? ये नियम रखा गया है वो गलत है. पहले नियम यही नियम था ना, उसको जो 100 रुपया 200 रुपया दंड था वो सही था. रोजी रोटी लोगों को अभी लेसन नहीं हो वो बात मानता, लेकिन इतना सारा दंड नहीं हो, सब सही है, लेकिन दंड की रकम जो है ना वो कम किया जाए. और सुनो पहले, इसके बाद शहर में रखड़ता गाय भैंस कुतरा बिलाड़ी भूंड, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हेलमेट पहन के आदमी मर जाता है एक्सीडेंट में. तो मैं तो जीवदया वाले के ऊपर मैं 5 लाख रुपया एक जन से बोला हूँ, जीवदया वाले के ऊपर केस करूँगा अगर किसी का मर जाता है एक्सीडेंट में, गाय भैंस भूंड बकरी. और टेंशन करने में आए हैं, दंड वसूल नहीं करेंगे ज़्यादा, पहले जो रेट था वही प्रमाणित करेंगे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ना, ये हमेशा यही नियम रहना चाहिए. पहले पहले जो जूना नियम था वही नियम रहना चाहिए. हमारा यही मांग है. बिंद बसंत भाई, सामाजिक कार्यकर्ता. और एक बात और सुनो, इसके बाद जो चलाता है उसको सरकार चाहे जो दंड करे, उसकी गाड़ी जमा कर ले, उसके लिए हम नहीं रजूआत करने आए हैं. गलत काम करता है उसके लिए दंड करो. इतना सारा दंड अभी हम लोग, मैं धंधा लेके बैठा, मेरा फेब्रिकेशन के धंधा है, मैं डर से नहीं निकलता हूँ, मेन रोड पर नहीं आता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है सब कुछ. अभी 25 किस्म का भी तुम लाइसेंस बनवाने जाओ RTO में, 15 दिन धक्का खाना पड़ता है. मैं बोलता हर एक वार्ड में लाइसेंस बनवाने.